अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस को आज हाईकोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करनी है। 29 जनवरी को लाजपत नगर मार्केट में दुकानदारों द्वारा नीडो की पिटाई के बाद 30 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी। नीडो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आने की वजह से उसकी मौत के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल नहीं होने पर पुलिस की जांच रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा था कि दिल्ली में अगर 15 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी तो दूसरी जगहों पर हाल क्या होगा। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वो शुक्रवार तक पोस्टमार्टम निष्कर्षों के साथ नए रिपोर्ट दाखिल करे। वहीं दूसरी तरफ नीडो तानियम की हत्या के मामले में आरोपी सुंदर सिंह और पवन फरमाणिया की जमानत याचिका पर आज SC/ST कोर्ट में भी सुनवाई होगी। दोनों ने पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इस दौरान पुलिस ने साकेत कोर्ट को बताया कि इस मामले में गिरफ्तार दोनों अपराधियों को नीडो की हत्या में नहीं बल्कि SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए इसे SC/ST कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। आपको बता दें कि लाजपत नगर में नीडो के बालों और पहनावे को लेकर उपजे विवाद के बाद दो दुकानदारों ने बुरी तरह पिटाई की थी, जिसके बाद 30 जनवरी को नीडो के अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल नीडो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आने की वजह से उसकी मौत के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस।